बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ ग्रेड 5। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रिवीजन लेक्चर ऑफ योर सिलेबस। हेयर आई राइट द सिलेबस व्हिच इज़ इंक्लूडेड इन योर ऑनलाइन क्लास असेसमेंट। हेयर पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 14, 15, पेज नंबर 20 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो इंक्लूड है। पेज नंबर 28 और 29 कम्प्लीट इंक्लूडेड है। एंड पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 4। बहुत छोटे से सिलेबस है, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम ग्रेजुअली हर पेज को टच करते हैं, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हम स्कूल में 9 o'clock से लेकर 1 o'clock तक अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है, इन पेजेस में से आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स का वेट रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 4। स्टूडेंट, दिस इज़ योर पेज नंबर 4। हेयर यू विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ऑन पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपने नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने फिगर्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो नंबर्स आपको गिवन है उनमें करेक्टली स्पेसेस लगानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने अगेन वर्ड्स में लिखना है और ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगेन राइट द क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर इन द फिगर गिवन द गिविंग द स्पेस करेक्टली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपके पास सर्कल में नंबर्स हैं आपने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू जैसे 1, 4, 1, 7, अब देखिए 3 इज़ इक्वल टू यूनिट, आप इसको ऐसे रीड करते हैं ना, यूनिट 10,000, यूनिट 10,000, 10,000। अब 7 किस पे आया, 10,000, इट्स मीन इट इज़ इक्वल टू 70,000, ठीक है। ये आपके 1,000 पे आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। अगेन 9 क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें आपने नंबर को एक्सपेंड करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और फिर अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 है और उसमें आपने प्रीडेसेसर लिखना है, मतलब आपका जो नंबर है उसे वन स्टेप नेक्स्ट नंबर आपने लिखना है, ठीक है। तो सब मोस्टली एक एक दो दो मिनट का एक एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको करना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 6 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, ब्लैंक्स आपको करवाई गई हैं, आपने उनको याद करना है। उसके बाद चूज़ द बेस्ट आंसर्स हैं वो भी आपने सॉल्व करना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 7 पे आपके सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट सॉरी क्वेश्चंस हैं, एडिशन के हैं और सब्ट्रैक्शन के हैं, वो आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एडिशन का है, क्वेश्चन नंबर 5 वर्टिकली एंड एडिट का है, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द नंबर विच इज़, आपने नंबर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस है, ठीक है। आप इन पेजेस को अच्छे से गौर से देख लें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेज नंबर आपका 14 और 15 है, ठीक है। 14 और 15 पे आपके डिविडेंड और डिवाइज़र है, इसका लेक्चर भी आपके पास अपलोडेड है, आप उस लेक्चर को अगेन देख लें, ठीक है। पेज नंबर 14 और 15 का, ठीक है, 15 का आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन आप शुरू से करना है, लेकिन सब चीज़ें आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सबसे पहले आपके लिए कंपलसरी है कि आपको टेबल्स याद होने चाहिए, आपने टेबल्स रिकॉल करें। उसके बाद आप अपने ये वाले पेजेस पेज नंबर 15 तक, ठीक है, आप अपना ग्रेजुअली इन डेज में देखें कि आपको कौन सी चीज़ नहीं आ रही, कहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हैं, तो मुझे उसके बाद आप बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ताकि हम उसको सॉल्व करें, सोल्यूशन करें जो कन्फ्यूजन है, ताकि आपकी वो दूर हो सके और आप अपनी असेसमेंट को इजीली सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।